हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीरो के प्रिडिक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रिडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बना रहे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले वुमेन्स एशिया कप का मैच नंबर 9 जो कि खेला जाएगा पाकिस्तान और यूए के बीच में। तो दोस्तों, आगे बात करेंगे। पहले मैच में पाकिस्तान को भारत से करारी हार मिली, लेकिन अगले मैच में पाक ने नेपाल को आसानी से हरा दिया। अब एक और जीत के साथ पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करेंगे यूए, जो कि लगातार 2 मैच हारने के बाद लगभग टूर्नामेंट से बाहर होने के कगार पे है। यह मैच 23 जुलाई को दोपहर 2 बजे खेला जाएगा रंगीली डम्बुला इंटरनेशनल स्टेडियम में। तो आगे बात करते हैं, चलते हैं इनका वेदर रिपोर्ट देखते हैं, जहां पे मैच के दिन मौसम लगभग क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 70% रहेगा और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं इनके पिच एनालिसिस करते हैं, जहां पे स्टेडियम पिच स्लो और नीचे होने के लिए जाने जाते, जो खेल के आगे बढ़ने के साथ स्पिनरों को काफ़ी हेल्प भी करती है। सतह जल्दी भी सूख जाती है, जिससे दरारें बन जाती है और जो स्पिन बॉलर्स को टर्न और बाउंस निकालने में मदद करती है। बैटर्स को खेल के शुरुआती चरण में रन बनाना भी इजीली हो जाता है जब पिच ताज़ा और सख्त होती है। तो दोस्तों, आगे बात करते हैं इनके विनिंग परसेंटेज देखते हैं, जो कि बैटिंग फर्स्ट का यहाँ पे 56% जीतने का चांस है, तो बॉलिंग फर्स्ट का यहाँ पे 44% जीतने का चांस है। अब अगर बात करते हैं इनके एवरेज स्कोर देखते हैं, यहाँ पे फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर 130 है, तो वहीं पर सेकंड इनिंग एवरेज स्कोर 117 है। तो दोस्तों, अगर बात कर लेते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड भी देख लेते हैं, जो कि यूए 0 मैच जीत के आ रही है, तो वहीं पर पाकिस्तान 1 मैच जीत के आ रही है। तो दोस्तों, इसके साथ आगे बढ़ते हैं, यानी पहली टीम पाकिस्तान वुमेन का शॉर्ट एनालिसिस करेंगे। भारत से हार के बाद अगले मैच में टीम ने नेपाल को 9 विकेट से हरा दिया। ओपनिंग में बात करेंगे, जो गोल फ्री ओझा ने 57 और मुनिया अली ने 46 रन बनाए थे। सिद्धरामी नंबर 3 पे खेल रहे हैं। वहीं पर ऑलराउंडर कप्तान नीरा डाजो के आउट ऑफ फॉर्म में दिख रहे हैं। अलिया रियाज और तुबा हसन टीम के लिए रन बना सकती है। बॉलिंग में आपको सदिया इकबाल ने सबसे ज़्यादा 2 विकेट लिए थे, फतिमा सना ने 1 विकेट लिए थे, जहां पर सिद्धा अरूप और नसारा सांधू ने भी इकोनॉमिकल बॉलिंग की थी। वहीं पर कप्तान नीरा डार बॉल से इफेक्टिव हो सकते हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि गुल फ्रेजा है, मुनीबा अली है, सिद्धरा अमीन है, निदा डार है, आलिया रियाज है, उमेना सोहेल है, फातिमा सना, तुबा हसन है, नसरा सुंदू है, सदिया इकबाल है, सिद्धरा अरूब है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए, जो कि सिद्धरा अमीन है, निदा डार है, सदिया इकबाल है। अब अगर बात करते हैं दूसरी टीम, यानी यूए का वुमेन शॉर्ट एनालिसिस करेंगे। पहले मैच में यूए को नेपाल के हाथों का हार का सामना करना पड़ा। अगले मैच में टीम ने भारत से पूरी तरह हार गई। अब यहाँ टीम का लास्ट मैच है, कप्तान रोहित ओझा ने 38 रन बनाए, तो वहीं पर ओझा तीर्था सतीश के साथ इनिंग की शुरुआत करेगी। ओझा ने 12 इनिंग में 121.08 के स्ट्राइक रेट से 448 रन बनाई है। वहीं पर रिनीता राजित तीसरे नंबर पर खेलेंगे। वहीं पर कविशा एगोडेज और खुशी शर्मा समायान धर्निका के साथ मिड ओवर में टीम को स्टेबल करेंगे। यहाँ पर कविशा एडोगेज ने सबसे ज़्यादा 40 रन बनाए, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 81 से ज़्यादा है। बॉलिंग में टीम फ्लॉप चल रही है, 200 रन बनवा दे रही है। जहाँ पर वैष्णव महेश हिना है चांदनी और एक और के साथ बॉलिंग को लीड करेंगे। महेश इस साल यूए के लिए 12 मैच में 5.10 के इकोनॉमिक से 16 विकेट लेकर सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली बॉलर है। वहीं पे एक और डेज ने लास्ट गेम में 2 विकेट लिए थे। वहीं पे समाजा धर्मीकर ने 1 विकेट लिए थे। अब बात करते हैं यूए का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि इस साल रोहित ओझा है, थिरता सतीश है, रीनितिका साजी से कविशा एगोडे है, समायरा धर्मिका है, खुशी वर्मा है, लवंका किनी है, वैष्णव महेश है, इंदुजा नंद कुमार, हिना हुमन चंदानी है, रितिका राजित है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए, खुशी हो जाए, कविशा एगोडे, हिना होतन चांदनी है। तो दोस्तों, फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज पे डिस्कशन कर ली, तो आगे बढ़ने चलते हैं प्रेडिक्शन कंक्लूजन करते हैं। टीम के स्टैंड को देखते हुए पाकिस्तान यहाँ पे मजबूत नजर आ रही है। यूए के अब तक एक ही मैच में पाकिस्तान ने खेला है, यूए अब तक टूर्नामेंट में फ्लॉप चल रही है। हमारा अनुमान है कि हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे मैच में पाकिस्तान वुमेन्स होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।